हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पथिक द गाइड। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ मुनस्यारी और आज की जो मेरी जर्नी है वो रुद्रपुर से मुनस्यारी तक की होगी। रुद्रपुर से मुनस्यारी की दूरी लगभग 370 किलोमीटर है, जिसे कि मैं एक दिन में बाइक से कवर करूँगा। और इन 370 किलोमीटर के बीच में एक से बढ़कर एक बहुत सारे खूबसूरत प्लेसेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रुद्रपुर और मुनस्यारी के बीच में पढ़ने वाले उन खूबसूरत प्लेसेस को दिखाऊंगा। और इसके साथ ही अगर आप भी अपनी जर्नी बाइक या कार से करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और जानकारियां दूंगा जिससे कि आप पहाड़ों की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हुए बिना थके हुए बड़े ही आराम से मुनस्यारी तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। दोस्तों, हमने अपने सफ़र की शुरुआत सुबह 5 बजे से की क्योंकि मुनस्यारी का सफ़र काफ़ी लंबा है और हमें रास्ते में पड़ने वाले प्लेसेस को भी एक्सप्लोर करना है। अगर हमें ये प्लेसेस एक्सप्लोर करने नहीं होते तो हम सुबह 8 बजे भी चलते तो शाम 7 बजे तक मुनस्यारी पहुंच जाते। लेकिन हमें रास्ते में पड़ने वाले प्लेसेस को भी एक्सप्लोर करना है, इसलिए हमने अपने सफ़र की शुरुआत 3 घंटा पहले की। थोड़ी देर पहले हमने हल्द्वानी और काठगोदाम को क्रॉस किया है। हल्द्वानी और काठगोदाम को क्रॉस करने के बाद हमने भीमताल वाली रोड ली है और भीमताल अभी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अभी हम आ गए अपने फर्स्ट स्पॉट भीमताल में और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लेक है और नैनीताल आने वाले अधिकतर टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करने जरूर आते हैं। यह है इस लेक का पूरा व्यू, ये देखिए आप लोग। और यहाँ पर कुछ बोट्स भी हैं बोटिंग करने के लिए और इस साइड में भी कुछ बोट्स हैं और यहाँ पे कुछ सैलानी आए हुए हैं जो कि फोटोग्राफी करा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे क्योंकि हमारी मंजिल अभी काफ़ी दूर है और हमें जाना भी काफ़ी दूर है। दोस्तों, भीमताल से होते हुए अब हम आ गए अपने सेकंड स्पॉट कैंची धाम में, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और यहाँ पर देश विदेश से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग विजिट करने के लिए आते हैं। यह मंदिर इतना फेमस है कि यहाँ पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन एंड बहुत ही बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज यहाँ पर विजिट करने के लिए आती हैं। और यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मंदिर की तरफ जा भी रहे हैं। यह है इसका एंट्रेंस, यहाँ से आपको एंट्री करनी होती है और यहाँ से इस ब्रिज से होते हुए आपको मंदिर की तरफ जाना होता है और यहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा होता है, ये देख रहे होंगे आप लोग। और यहाँ पर इस पुल के ठीक नीचे एक नदी भी बहती है जिसका पानी काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है। हालांकि अभी मैं रोड पे हूँ तो यहाँ से नदी का व्यू कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ गर्म पानी के पास और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा झूला पुल बना हुआ है और ये नीचे देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर एक नदी बह रही है और इसी नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है। ये पुल इस पूरे एरिया को जोड़ती है, ये देखिए जो उधर झोपड़ियाँ गांव टाइप का जो बना हुआ है ना, उसको ये पुल जोड़ता है। और इसमें कुछ लोग बात भी ले रहे हैं और इसका अगर आप लोग पानी देखेंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और यहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा है, ये देखिए ये यहाँ पर पहाड़ियों और घाटियों का व्यू काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा आ रहा। और यहाँ पर ये उधर की तरफ ये मेन रोड है यहाँ की, जो कि भवाली से अल्मोड़ा के लिए जाती है। ये देखिए इस पर कुछ ट्रक भी आ रहे हैं और उसके साथ में कुछ और गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन यहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम चलते हैं इस पुल के नीचे। अभी हम आ गए हैं नीचे की तरफ और यहाँ पर ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, इसमें काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ पे यहाँ का पानी काफ़ी ठंडा है, ये इस पानी में तैर रहे हैं, ये अभी तैरना सीख रहे हैं। ये नदी में तैरना सीखने की फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप अपना सर भी पानी के अंदर डालकर तैरते हैं, क्योंकि ऐसे ही मैंने भी तैरना सीखा था और अब तो मैं फुल ट्रेंड हूँ, मैं कहीं पर भी तैर लेता हूँ। और यहाँ पर चेतावनी भी लिखी हुई है कि नदी में प्रवेश करना, तैरना, गंदगी करना, कपड़े धोना सख्त मना है।
अभी हमने खैरनाई क्रॉस किया था कि यहाँ पर हमें एक और झोला पुल देखने को मिला, और ये झोला पुल भी काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और यहाँ का व्यू भी काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा है। ये देख रहे होंगे आप लोग, और यहाँ पर एक येलो कलर की बिल्डिंग बनी हुई है, और बिल्डिंग के ठीक इस तरफ देखिए, यहाँ पर भी पहाड़ियों और घाटियों का व्यू काफ़ी खूबसूरत है, और उसके ठीक नीचे बहती नदी देखने में उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही अच्छी लग रही है। और हर झूला पुल की तरह ही इस झूला पुल में भी ये देखिए, ये मेटल की रस्सियाँ लगी हुई हैं जो कि वहाँ पर उसके, ये देखिए, ये दोनों साइड से दोनों सिरे वहाँ पे बंधे हुए हैं, और यही इस पुल को बेसिकली सपोर्ट भी करते हैं। इसके नीचे कोई पाए वाए नहीं होते हैं, यहाँ पर ये सिर्फ दोनों साइड में ऐसे ही, मतलब एक दीवार टाइप की होती है, और इसके जस्ट बैक साइड में इनकी ये जो वायर्स होते हैं इनको बांधा गया होता है। अभी मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाता हूँ, अभी मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, तो क्रॉस करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके बीच में कोई पाया नहीं होगा। यहाँ पर आपको पुल के बीच में कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें कोई पिलर उलर नहीं होता है। और यहाँ पर एक चेतावनी लिखी हुई थी कि यहाँ पर स्नान करना खतरनाक हो सकता है, और इसमें डूबने और बहने का काफ़ी खतरा है। तो यहाँ पर पानी काफ़ी शांत है, और यहाँ के पानी में गहराई बहुत अधिक है, जिससे कि ये ग्रीन ग्रीन कलर में दिख रहा है। जहाँ पर पानी थोड़ा कम है वहाँ पर येलो कलर में पानी दिख रहा है, और जहाँ पर पानी गहरा है वहाँ पर ग्रीन कलर में दिख रहा है। ये मैं थोड़ा और नज़दीक चल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये चेतावनी क्यों लिखी हुई है। ये देखिए, इस साइड से देखिए, इस साइड गहराई थोड़ी और ज़्यादा है। तो बेसिकली अभी मैं सेंटर में चलता हूँ, और सेंटर में चल के ही आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि उधर से तो उतना क्लियर आ नहीं रहा है। अब ये देखिए, मैं सेंटर में आ गया हूँ, और नीचे आप लोगों को ये नदी दिख रही होगी। इसके बीच में ये जितना भी ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, यहाँ पे गहराई बहुत अधिक है, इसमें डूबने का खतरा है और बहने का भी खतरा है। और इस साइड में देखेंगे जिधर येलो कलर में दिख रहा है, इधर गहराई थोड़ी कम है। और यहाँ पर ये देखिए, पानी ने चट्टानों को कैसे काट रखा है, ये एक अलग ही शेप दे रखा है। और यहाँ पर ये कुछ सैलानी भी आ रहे हैं जो कि इस झूला पुल को देखने के लिए आ रहे हैं। तो झूला पुल का तो अपना एक अलग ही मज़ा है, और मैं तो इस दूसरे झूले पुल पे आया हूँ, इससे पहले उस उधर भी रुका था और इस वाले पे भी रुक रहा हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो पहाड़ आपको कटा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पे बेसिकली पूरा रोड ही बह गई है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी, तो बारिश के समय पर इस नदी का पानी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा था, तो जिसकी वजह से ये पूरी रोड ही बह गई है। और वहाँ पे मतलब साइड से बिल्कुल लोग निकल रहे हैं, वन साइडेड ही गाड़ियाँ चल पा रही हैं। अभी हम आए वहाँ पे, थोड़ा हम भी जाम में फंस गए थे। और यहाँ पर ये देखिए, ये पीछे गांव की तरफ से लोग आ रहे हैं, और यहाँ से थोड़ा सा गांव का एक दो घर दिख रहा है। ये देखिए ऊपर ये जो घर दिख रहा है वाइट कलर में, ये एक गांव का घर है, और उस साइड में भी ये कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो झूला पुल है, ये बेसिकली ये उन्हीं गाँव वालों को सपोर्ट करता है। और इस साइड में एक बिल्डिंग बन रही है, यानी कि घर टाइप का बन रहा है, और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। गर्म पानी और खैरना में झूला पुल को देखने के बाद अब हम जा रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ। अभी तक हमारी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, और अभी तक हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है। दोस्तों, अल्मोड़ा अपने पठारों के लिए जाना जाता है, और ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर पठार कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, ये इस साइड में देखिए, तो अल्मोड़ा के पठारों की एक अलग ही खूबसूरती है दोस्तों। और ये नीचे स्टेप फार्मिंग है, और आगे की तरफ एक छोटा सा गांव दिख रहा है। ये देखिए, गांव बहुत ही प्यारा लग रहा है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी मैं उस गांव से थोड़ा दूर हूँ, उसके उतना नज़दीक नहीं हूँ, इतना क्लियर तो नहीं आ पा रहा, लेकिन वो गांव बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, थोड़े से पिक्सल फट जा रहे हैं, लेकिन ये गांव देखने में बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं अल्मोड़ा, और ये है अल्मोड़ा सिटी का खूबसूरत व्यू, ये आप लोग देख रहे होंगे।
ये आधा अल्मोड़ा सिटी का व्यू है। और यहाँ पे ये देखिए नीचे खाइयाँ हैं और इस साइड में ये घर सीढ़ीनुमा बने हुए हैं अप टू डाउन, डाउन टू अप। और ये घर देखने में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पर इस साइड में ब्लू कलर में पहाड़ दिख रहे हैं और ये एक पहाड़ी रास्ता जो कि पगडंडियों वाला रास्ता है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये एक छोटे से घर के पास आ रहा है, जो रेड कलर का घर दिख रहा है यहाँ तक ये रास्ता आ रहा है। लगभग 120 किलोमीटर की दूरी को कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए हैं अल्मोड़ा और इस दूरी को कंप्लीट करने में हमें लगभग 5 घंटे का समय लग गया है और इस समय बज रहे हैं सुबह के 10। तो अब हम करेंगे यहाँ पर ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। दोस्तों अल्मोड़ा में ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने सेराघाट वाला रूट लिया। सेराघाट पहुंचकर हमने लंच के साथ साथ एक घंटे का रेस्ट लिया और रेस्ट करने के बाद बेरीनाग, थल और क्यूटी से होते हुए हम बिरथी फॉल की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो हमें इस रूट पर भी पहाड़ियों और घाटियों के सुंदर व्यू देखने को मिले, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने उन प्लेसेस को कवर नहीं किया। दोस्तों अब हम आ गए अपने लास्ट डेस्टिनेशन और मुनस्यारी के सबसे फेमस वाटरफॉलों में से एक बिरथी वाटरफॉल पे, जो कि मुनस्यारी का काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर प्लेस है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। यह फॉल मुनस्यारी से लगभग 32 किलोमीटर पहले रास्ते में पड़ता है, तो आप यहाँ पर मुनस्यारी जाते समय या फिर मुनस्यारी से वापस लौटते समय यहाँ पर आ सकते हैं। यह जगह बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत है। बिरथी फॉल का खूबसूरत व्यू देखने के बाद अब हम जा रहे हैं मुनस्यारी की तरफ और मुनस्यारी अभी यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। अभी हो रहा है शाम का समय और अभी हमें लग रही है भूख, क्योंकि सेराघाट के बाद से अभी तक हमने कुछ नहीं खाया है जिसकी वजह से हमें भूख लग रही है। तो आगे देखते हैं कोई रेस्टोरेंट। दोस्तों अभी हमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिल गया है जहाँ पर हम करेंगे नाश्ता और उसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के बाद अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अभी हमारी जर्नी अपने एंड फेज में है और यहाँ से मुनस्यारी लगभग 25 किलोमीटर दूर है। दोस्तों रास्ते में हमें एक और वाटरफॉल देखने को मिला। मुनस्यारी और उसके आसपास के एरिया में बिरथी वाटरफॉल के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। वाटरफॉल्स के लवर्स के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। मुनस्यारी जाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैं आप लोगों को इस यात्रा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ, जिससे कि आप अपनी यात्रा बिना किसी थकान के कर सकें, क्योंकि रुद्रपुर, हल्द्वानी और काठगोदाम जैसे शहरों से मुनस्यारी की दूरी काफ़ी अधिक है, जिसमें थकान होना स्वाभाविक सी बात है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी यात्रा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करें। 70 से 80 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद आधे घंटे का रेस्ट लें। रास्ते में जब भी आप रुकें तो हल्का फुल्का खाते पीते हुए जाएं। रास्ते में पड़ने वाले खूबसूरत प्लेसेस पर भी रुकें, ताकि आपकी बॉडी को समय समय पर रेस्ट मिलता रहे। इससे आप थकेंगे नहीं और आप आराम से मुनस्यारी पहुंच जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने रुद्रपुर और मुनस्यारी के बीच में पड़ने वाले खूबसूरत प्लेसेस को एक्सप्लोर किया तथा इसके साथ ही इस यात्रा से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।